बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी इमली और खुबानी की खट्टी मीठी चटनी। इमली की चटनी तो अक्सर ही घरों में बनती है, लेकिन ये चटनी बहुत कम लोग बनाते हैं। आप एक बार इस रेसिपी के थ्रू बना के देखें, इंशाल्लाह आपके घर में हर माह ये बनेगी। आप इसे बना के 1 से 2 माह तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसे ना सिर्फ आप पकौड़ों, समोसों, दही भले, चाट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि वैसे भी चम्मच के साथ खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाजमेदार होती है। तो चलें आज की इस छोटी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मेरे पास 1/4 कप के हिसाब से इमली है। इमली आपने ब्राउन वाली लेनी है, क्योंकि ये फ्रेश होती है। इसमें तकरीबन 1/2 कप हमने पानी ऐड किया है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हल्का सा इसे हाथों से मस लेंगे तो इसका सारा गुदा अलग हो जाएगा। अब इसे हमने अच्छी तरह से छान लेना है। छानते हुए थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे ताकि गुठलियों में से अच्छी तरह से पल्प निकल जाए। तो 1/2 कप खुबानियों को मैंने रात भर भिगो दिया था तकरीबन 1 कप पानी में, और आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फूल चुकी हैं और 1 कप बन चुकी हैं। अब इसमें से जो इसकी गुठली होती है उसको हम रिमूव कर लेंगे। अगर आपके पास बगैर गुठली के खुबानी है तो क्या ही बात है, आपका काम शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ खुबानी की गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं, पानी इसके अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि इसे हमने रात भर फ्रिज में रखा था, तो पानी इसका बिल्कुल ठीक है। ये है इमली का पानी जिसे हमने अच्छी तरह से छान के निकाला है, साथ ही इसमें खुबानी ऐड करेंगे। वैसे तो आप इसे डायरेक्ट चूल्हे पे भी पका सकते हैं और बाद में मैशर से मैश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से काम थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। शेकर जग में डालें, थोड़ा सा इसे ग्राइंड करें और इसे पैन में ऐड कर दें। तो 1/2 काम तो हमारा हो चुका है। इसमें आपको थोड़े से खुबानी के टुकड़े नजर आ रहे होंगे, आप चाहें तो इसे बाद में भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर ये थोड़े से अंदर मुंह में भी आए तो भी अच्छे लगते हैं। चूल्हे की आंच को हमने ऑन कर दिया है। चूल्हे की आंच को हमने मीडियम टू लो ही रखना है। इसमें ऐड करेंगे नमक, सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच अदरक पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच कूटा हुआ और भुना हुआ जीरा, और 1/2 कप ही इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ को हल्का सा अगर मैश कर लेंगे तो ये जल्दी से मिक्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने गुड़ की क्वांटिटी को अपनी खुबानी की क्वालिटी के हिसाब से ही एडजस्ट करना है। कुछ खुबानियाँ थोड़ी सी खट्टी होती हैं और कुछ मीठी होती हैं। अगर आप जो खुबानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो मीठी है, तो आपने गुड़ की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम लेना है। आप गुड़ की जगह पे चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ ऐड करने से इसकी गजाइत में बहुत इजाफा हो जाता है। यहाँ पे खुबानी के जो मोटे पीसेस मुझे नजर आ रहे थे वो मैंने रिमूव कर लिए हैं। यहाँ पे हमने ऐड किया है काला नमक। काला नमक डालने से इसकी ना सिर्फ गजाइत बढ़ती है, बल्कि इसकी खुशबू चटनी में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट मैंने इसे लो टू मीडियम आंच पे बनाया है और ये काफ़ी थिक हो चुकी है। थोड़ा सा जर्दा कलर ऐड करेंगे इसमें, इससे इसके कलर में थोड़ी सी जान आ जाएगी। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो कोई मजबूरी नहीं है, इसे स्किप कर दें। इसकी लुक को बेटर करने के लिए और टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें आप 4 मगज भी ऐड कर सकते हैं और तिल भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 1/2 छोटा चम्मच तिल ऐड किए हैं। अब जैसे ही चटनी मुकम्मल तौर पर गाढ़ी हो जाएगी, इसमें थोड़ी सी टाटरी ऐड करेंगे, जस्ट चुटकी भर। इससे इसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। टाटरी ऐड करने के बाद किसी भी चीज़ को और ज़्यादा पकाया नहीं जाता है, वरना उसमें कड़वाहट आ जाती है। जस्ट चंद सेकंड के लिए ही इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। चटनी को आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। अगर इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे आप, तो ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होगी और बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। बस इस कंसिस्टेंसी में ही हम इसे रखेंगे। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने इस छोटी सी रेसिपी को इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है और अपना जो भी एक्सपीरियंस है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। इसे आप 1.5 से 2 माह के लिए फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपने जार को मुकम्मल तौर पर ड्राई करने के बाद उसमें चटनी ऐड करनी है और कोई भी गीला चम्मच इसमें ऐड नहीं करना है, तो ही इसकी शेल्फ लाइफ लंबी रहती है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी हो तो आपने चैनल से इन टच जरूर रहना है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चटनी को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सी चाट की रेसिपीज, दही बलों की रेसिपीज बनाएंगे। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह सबका दस्तखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जजाकल्ला। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।